खबरों में बात करेंगे बहराइच की, जहां पर झूला टूटने की एक घटना सामने आई है। आपको बता दें कल स्कूल में दो मासूम छात्रों पर गिरा था झूला, एक की मौके पर मौत तो दूसरी की इलाज के दौरान हुई मौत। मामले में परिजनों ने स्कूल के बाहर काटा हंगामा। स्कूल के बाहर पुलिस बल के जवानों को किया गया तैनात। तो बड़ी खबर बहराइच से, जहां दो छात्रों पर झूला गिरने से छात्रों की मौत हुई है। कल स्कूल में दो मासूम छात्रों पर गिरा था झूला, तो मामले में जो परिजन हैं वह आक्रोशित हैं। स्कूल के बाहर यहां पर धरना दिया जा रहा है, पुलिस और प्रशासन भी मौजूद है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अब्दुल कादिर हमारे साथ लाइव घटनास्थल से, यानी कि जहां पर प्रदर्शन जारी है वहां से मौजूद हैं। जी अबरार जी, अब्दुल मौके पर आप मौजूद हैं, दो छात्रों की मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ वजह है और जो परिजन हंगामा कर रहे हैं, आखिर उनकी मांगे क्या हैं, जिन मांगों को लेकर वह वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? बहराइच शहर के सिटी मार्केट के स्कूल का, जहाँ पर बच्चे पढ़ने गए हुए थे, दो बच्चों के स्कूलों से गिरने से कल मौत हो गई, जिसके बाद इन्हें स्कूल प्रशासन द्वारा इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ मौके से एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरे बच्चे की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। आज परिजन और एबीवीपी के जो है पदाधिकारियों द्वारा स्कूल में प्रदर्शन किया रहा है, क्यों स्कूल प्रशासन से कार्रवाई नहीं की जा रही और बच्चों का अभी तक परिजनों को नहीं सौंपा गया है। वही अभी एबीवीपी के छात्र और पदाधिकारी है और परिजन है जो रोड जाम किए हुए हैं, प्रशासन से लगातार कह रहे हैं कि मृतक बच्चों का 100 परिजन को सौंप दिया जाए और प्रशासन से कार्रवाई की जाए, प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए और स्कूल के ऊपर जांच की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, जिसको लेकर यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी के कुछ पदाधिकारी हैं, हम बात कर लेते हैं, क्या मांगे हैं आपकी, किस किस लेकर आप रोड जाम कर रहे हैं? बात करते हैं बताने में लगा हुआ था, परिवार को सही जानकारी नहीं दी गई कि उनके परिवार के बच्चे को चोट लगी है, उसकी मृत्यु हो गई है और संदिग्ध भूमिका में जिस तरीके से लखनऊ लेकर चले गए हैं, ये संदिग्ध पूरे और निंदनीय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2 दिनों का समय आज ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को देगी, अगर 2 दिनों के भीतर निरंतर आंदोलन जारी रखेगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी का प्रशासन की। मृतक के परिजन विषय में बात कर लेते हैं, क्या पिताजी मृतक पिताजी आप देखिए कि बहुत अभी क्या कह रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? अभी बच्चे का शव मेरे बच्चे का शव मिल गया। अच्छा, कार्रवाई स्कूल पर नहीं हो पा रही, स्कूल की कार्रवाई बना दी। एक परिवार है भाई साहब जिसका एक बच्चे का शव मिल गया, दूसरे बच्चे का शव नहीं मिला, शव लेने के लिए स्कूल के ऊपर कार्रवाई जा रहे हैं ये लोग और लगातार रोड जाम की व्यवस्था है, थाने की रोड जहाँ लगा दी गई है, एडिशनल एसपी है, सीओ है, सिटी मजिस्ट्रेट भी है, लगातार जाम, यहाँ महिलाएं भी रोड पर जाम पर बैठी हुई हैं, इनके परिजन उनके घर का बच्चा है जिनसे आ रही है, इनका सौ बच्चे को दिया जाए जिससे काम कर सके और स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। अब्दुल कादिर, जिस तरह से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी यहां पर परिजनों की और स्थानीय रहवासियों को देखने को मिल रही है, इस मामले को लेकर अब तक स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है? स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चे हैं, स्कूल ड्रेस होते हैं, कोई अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों का लगातार कहना है कि भाई स्कूल प्रबंधन की तरफ से घटना घटी तो प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए और स्कूल की जांच की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ना हो पाने वजह से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन की मांग कर रहे हैं कि स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाए। अब्दुल कादिर, अभी क्या मौके पर कोई प्रशासनिक अमला, डीएम या एसडीएम वगैरह कोई पहुंचा है क्या? अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? मौके पर एडिशनल एसपी है, सीओ है और सीओ नगर सिटी है, सीओ सिटी है, जो मौके पर मौजूद है, इन लोग को बता रहे हैं कि नहीं कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई का सिस्टम है, समय लगेगा और कार्रवाई होगी। एडीएम भी मौके पर पहुंच गए हैं और इन लोग को लगातार जाने की कोशिश की जा रही है, कार्रवाई और लगातार रोड जाम प्रदर्शन कर रहे हैं। अब्दुल कादिर, क्या हमारी जो प्रशासनिक अमले के जो आला अधिकारी जो वहां पर मौजूद है इस समय आपके आसपास, क्या उनसे बात हो सकती है, क्या कोशिश करें बात करने की, उनका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं,
अभी फिलहाल प्रशासन के अधिकारियों से बात नहीं हो पा रही है, वो परिजनों को समझाने में लगे हुए हैं। कहना है कि परिजनों से हम बात कर ले रहे हैं, फिलहाल परिजनों को समझाना चाह रहे हैं कि रोज काम न करें, प्रदर्शन न करें, लगातार कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब्दुल कादिर धन्यवाद, आप तमाम घटना पर खबर नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर बहराइच से थी, जहां पर स्कूल में दो छात्रों पर झूला गिरा है, जिसमें एक की मौके पर मौत और दूसरे की इलाज के दौरान मौत के मामले को लेकर परिजनों ने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लापरवाही के आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगाए हैं परिजनों ने।